हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू अ परफेक्ट लर्निंग क्लब. होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट, राइट? सो व्हाइल स्टार्टिंग माय टॉपिक, आई वांट टू से समथिंग दैट सॉरी, इन माय प्रीवियस लेक्चर इट वाज लाइक मिस्टेक ओवर देयर. आई हैव रिटन ग्लूकोज फॉर्मूला दैट इज C6H12O2, बट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, राइट? मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा है C6H12O2, but the it is wrong and the right one is C6H12O6. ठीक है, तो आप सब लोग अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना, अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना. वैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेरे से मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी है. अपने नोट्स में क्लियर कर लेना एक बार को, ठीक है? वैसे ओ टू की जगह पर ओ सिक्स होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, क्लियर? तो इसको आप सही कर लेना वहाँ पर, ठीक है? तो हम अपना जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग. अभी हमने जो इसमें रिसेंट जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें था रेस्पायरेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, वो हमने पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है ह्यूमन बींग्स की. आज टॉपिक होगा वो सिर्फ ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्या ऐसा है जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में आपको बॉडी में हो रहा है. आपको दिख तो रहा होगा मैंने हार्ट का डायग्राम बना रखा है, लेकिन इससे पहले हम उसको नॉलेज बेसिक पढ़ लेते हैं कि बेसिक क्या है उसमें, ठीक है? तो बच्चे देखो, ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है हमें सबको पता है. हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. पूरी बॉडी में जो कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड की वजह से हो रहा है. ये तो सबको पता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का, चाहे फूड का, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपकी बुक में लिखा गया है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसमें हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके एक चीज होती है. हमारे जो ऑल ओवर जो हमारे बॉडी में आते हैं वो चार होते हैं. एक प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है? ये आपको याद रख रहे हैं, लाइफ टाइम आपके वर्क करेंगे, ठीक है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो यहाँ पर मेन जो है वो प्लाज्मा पे फोकस किया गया है कि प्लाज्मा हमारे इसमें क्यों ऐसा है. रेड ब्लड सेल्स में इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, वो ही इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप ये तो बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल लो, या फिर आप ये बोल लो कि जो भी हमारे जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के साथ जो हम इनटेक कर रहे हैं उसमें, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया आपका, ठीक है? नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, फूड हो गया आपका, ठीक है? कुछ ऐसे जो वेस्टेज हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो इसको जो ट्रांसफर कराने का काम कर रहा है, जो इसको ट्रांसपोर्टेशन को एक वे दे रहा है, जो करा रहा है इस पूरे को ट्रांसफर हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट को जो करा रहा है पूरी बॉडी में, वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेज जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरा, ये चीजें ये हमारा कौन करा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा रहा है, अपने अंदर पूरा डिसॉल्व होके करा रहा है, ठीक है? हम ये फूड वगैरह ये सबका सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. प्लाज्मा ही पूरा इसको बॉडी में क्या करा रहा है, सर्कुलेट करा रहा है, पूरा इसका ट्रांसपोर्टेशन जो करा रहा है वो प्लाज्मा ही करा रहा है, ठीक है? अब इन्होंने कहा कि जो अगर ठीक है ये सब प्लाज्मा करा तो हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या करा रहे हैं. रेड ब्लड सेल्स जितना भी हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी हमारे लिए जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, मींस जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन जो है वो पूरा ट्रांसपोर्ट करा रहा है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करा रहा है वो ब्लड करा रहा है. हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनका काम क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है, कोई आपका न्यूट्रिशन वगैरह जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उस चीज़ को जो करा रहा है वो हमारा रेड ब्लड सेल्स करा रहे हैं. लेकिन जो प्लाज्मा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, जो कि अपने इसमें डिजॉल्व कराने के बाद उसको पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है? ये इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा के बीच में डिफरेंस की प्लाज्मा क्या करा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या करा रहे हैं, ठीक है? एक और चीज बता दूं, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स तो इतना नॉर्मल वैसे जरूरी है नहीं. व्हाइट ब्लड सेल्स वैसे हमारे जो माइक्रोब्स वगैरह तो उससे लड़ने के काम का होता है. मीन्स आप बोल सकते हो जैसे हमें कोई चीज बीमारी वगैरह कुछ ही होती है तो उससे जो लड़ने का काम क्या करता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है, या कोई ऐसी चीज आप बोल सकते हो. मेनली जो है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने का काम मेरा व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है, ठीक है? मेन जो वर्क है उसका. वैसे जो मेन है वो प्लेटलेट्स का भी यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है, कि कभी आपने देखा होगा ब्लड जब हमें कहीं पे चोट लगती है तो ब्लड का अमाउंट जो एकदम से रिलीज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड आपका फ्लो होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं, जैसे ब्लड हमें चोट लगी क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है बहुत तेजी से होता है, ठीक है? आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए जो आर्टरीज की वॉल होती है ना बहुत ज्यादा थिक भी होती है, क्योंकि प्रेशर उसमें बहुत तेज होता है आर्टरीज में, ठीक है?
जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती है, जो पल्म जो वेन्स होती है आपकी, उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है, वेन्स में प्रेशर नहीं होता है ब्लड का, ठीक है, क्योंकि वो पूरा उसको ब्लड को कैरी करके अबव की तरफ जाता है, इसमें उसमें वेन्स में जो होता है ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कम होता है, बट इन कंपैरिजन टू आर्टरीज ब्लड का प्रेशर जो वहाँ पर आर्टरीज में होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। तो अब क्या कहा इसने, जहाँ हमें कभी चोट लगती है हमारा ब्लड जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने लग जाता है, तो उसका यहाँ पर जो प्लेटलेट्स का मेन काम है वो ये होता है कि प्लेटलेट्स क्या करता है, उस ब्लड फ्लो को कम करने की कोशिश करता है, उसको क्या करता है, उसको जो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है उसको रोकने का काम करता है, एक आप बोलते क्लॉटिंग का काम का क्लॉट बनाता है वहां पे, जो हमें ब्लड जम जाता है वहां पे, तो जो क्लॉटिंग का काम हो रहा है मेन होता है प्लेटलेट्स का काम, ठीक है। प्लेटलेट्स ही एक वो होता है, एक प्लेटलेट्स ही एक मेन आपका बोल सकते सब्सटेंस है आपके बॉडी में जो कि इस क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, या फिर आप बोल सकते क्लॉटिंग जो कराता है वो प्लेटलेट्स ही कराता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसने बात क्या किए गई है कि ठीक है हमने बोला प्लाज्मा भी इसको आपका ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी में जो वर्क कर रहा है उसको भी तो पुश करने के लिए, जो आपका जो बॉडी में मूव कर रहा है उसको भी तो पुशिंग का काम चाहिए, तो पुश करने के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए कि हाँ भाई हमारे हमारे अपर बॉडी से नीचे बॉडी की तरफ को पुश करेगा, या फिर लोअर बॉडी से अपर बॉडी की तरफ को पुश करेगा, तो कोई चीज पुशिंग के लिए भी तो होनी चाहिए, वो क्या है, वो हमारा जहाँ पर जो पुशिंग का वहां पर काम हो रहा है वो हमारा है हार्ट, हार्ट की हार्ट ही एक ऐसा हमारा आप बोल सकते हैं आपका हार्ट ही हमारे एक ऐसे बॉडी का पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा पुशन अप करने में हेल्प करता है किसी भी चीज को, मतलब हमारे जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो सारा का सारा हार्ट की हेल्प से ही हो रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप बोलो कि हार्ट है क्या, हार्ट एक आपका हमारा बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक आप बोल सकते हो हॉलो ऑर्गन भी आप बोल सकते हो, एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि आपके फिस्ट के साइज का होता है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है द हार्ट साइज इज ऑल अबाउट द फिस्ट साइज, मतलब जो आपका फिस्ट का साइज होगा वही आपका हार्ट का साइज होगा। अब फिस्ट क्या होता है, हमारी मुट्ठी होती है, इसी मुट्ठी को बोलते हैं फिस्ट, जो हमारी मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी हाथ को नहीं, जो हमारी मुट्ठी है बंद कर देना मुट्ठी बनती है एक, तो इसी मुट्ठी को बोलते हैं हम फिस्ट, जो हमारी मुट्ठी का साइज होता है वही हमारे हार्ट का साइज होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपना हाथ इतना दिखाई तो आपके हार्ट का साइज भी ये होगा, नहीं, चाहे वो किसी का हाथ क्या हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे उसका हाथ कितना ही बड़ा हो, जितना उसका फिस्ट का साइज होगा उतना ही उसके हार्ट का साइज होगा, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हमारा हार्ट जो है वो वर्क कैसे करा रहा है, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज हार्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ पहले मैं खाली बेसिक पढ़ा दूँ क्या क्या है, ये है आपका इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, अयोटा एंड पल्मरी वेन पल्मरी आर्टरी। हमारे हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स आर देयर इन अ हार्ट, फर्स्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दीज 4 आर चैम्बर्स, ठीक है, ये चारों क्या है हमारे चैम्बर्स है हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर 2 वेल्स भी वर्क करती हैं, जो राइट एंट्रियम एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वर्क कर रही है वो ट्राइकस्पिड वेल्व करती है वर्क, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वर्क करता है वो बाइकस्पिड वेल्व होती है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पर वर्क करती है, ठीक है, ये हमारे 4 चैम्बर हो गई, ये हमारी वेल्स हो गई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है, जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है, जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है, तो इंफीरियर मींस होता है हमारा लोअर बॉडी का पार्ट, ठीक है, जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है वो हमारी लोअर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा, मींस जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा, मींस उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है, ठीक है, तो इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगा, हमारी लोअर बॉडी से, ठीक है, लोअर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कहां लाएगा, हमारा राइट एट्रियम में, ठीक हो गया। सेम सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा, अपर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको राइट एट्रियम में लाएगा, समझ में आ गया। इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, लोअर बॉडी का लाएगा, सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा,
इन अपर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ये दोनों वेना कावा एक ही जगह पे लाएंगे जबकि हमारा है राइट एट्रियम। ठीक, अब क्या होगा, राइट एट्रियम में जितना भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो यहाँ आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे वेल दिख रही है, ये राइट एट्रियम ने क्या करना है, जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में लाना है। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ब्लड को यहाँ आने के लिए क्या करेगा, इसकी जो वेल होंगी वो क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। उसकी वेल क्या करेंगे, ऐसे नीचे को होती है ना वेल, ऐसे ओपन होंगी, तो जितना भी अपर बॉडी का जितना भी ब्लड होगा, जो राइट एट्रियम का जितना भी ब्लड होगा, अभी तक ये बंद है, अभी तक ऐसी है बंद है। ठीक है, यहाँ पर अभी ब्लड सिर्फ राइट वेंट्रिकल में है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में है। ठीक है, अब क्या होगा, राइट एट्रियम से जो आपकी ट्राइकस्पिड वेल वो ऐसे ओपन होंगी एंड पूरा ब्लड ऐसे सारा सारा एकदम से आएगा राइट वेंट्रिकल में एंड फिर से क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया, ब्लड आया ऐसे ओपन हुई एंड सीधे क्लोज हो जाएंगी। और ये क्लोज क्यों होती है, ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में ना जा पाए, उसका बैक फ्लो ना हो, इसलिए वेल्स ऐसे खुलती हैं, ब्लड सीधे जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा वो एक्सपेंड होगा, खुलेगा, ब्लड उसमें आएगा एंड वो सीधे वेल्स होंगी जो बंद हो जाएंगी। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, ट्राइकस्पिड हेल्प की वजह से राइट वेंट्रिकल में सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ये राइट वेंट्रिकल के साथ पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई है। हमने कल पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वोलाई में होता है, जो कि कहाँ पे है, लंग्स में है। ठीक है, अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। किसकी हेल्प से आएगा, पल्मोनरी आर्टरी की वजह से, जबकि आपको पता है आर्टरी में प्योर ब्लड होता है एंड वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। याद रखना, आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड बट वेन्स ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड, बट हार्ट में इसका जस्ट ही जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, पूरी बॉडी का अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है एंड वेन्स में इम्प्योर ब्लड रहता है। ये आपकी पूरी किसकी बात की गई है, बॉडी की। ठीक है, लेकिन यही कंफ्यूजन है इसमें कि हार्ट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया था ना, मींस इम्प्योर ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड कहाँ से जा रहा है, आर्टरी की हेल्प से जा रहा है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जा रही है, किसमें ले जा रही है, लंग्स में ले जाएगी। लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मींस डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा पल्मोनरी वेन ले जाएगी, जबकि वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड ले आती है ना, बट हार्ट में क्या होगा, अपोजिट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगा, पल्मोनरी वेन ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाइकस्पिड वेल क्या करेंगे, उसको जो अभी तक वो ऐसी थी ना, अब ऐसे ओपन होंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सीधे लेफ्ट आर्टरी में जाएगा। ठीक है, वैसी वेल क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। जैसे ही ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से अब उसने क्या करना है, पूरी बॉडी में फैलना है। अब वो पूरी बॉडी में, उस ऑक्सीनेटेड ब्लड ने पूरी बॉडी में जाना है, तो पूरी बॉडी में जो आर्टरी चैम्बर्स की हेल्प से जो वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जाएगा आपको कहाँ, अयोटा में। ठीक है, यहाँ से सीधे अयोटा में जाएगा, अयोटा क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी में उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करेगा। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि हमने बोला ठीक है, हमारा जो फिस्ट का साइज का हमारा हार्ट होता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहीं पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, यहीं पर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। ठीक है, अब मेन काम हार्ट का क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं मिक्सअप हो, इसलिए यहाँ पर आपको एक सेप्टम नाम का ही दिख रहा होगा, ये सेप्टम मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने इसलिए पहले नहीं बताया। सेप्टम का काम क्या होता है, इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इसका मेन काम यही है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या रहे, थोड़ा सा दूरी बना के रखे, उसका मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो सेप्टम क्या करता है, उसमें गैप बना के रखता है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहे। ठीक हो गया, समझ में आया। ये आपका क्या है, ये आपका एक सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन है ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है उसमें, जब आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम की हेल्प से मैं आपको पूरा बता दिया है एंड यही डायग्राम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आ जाएगा ना, आपको रटने की कहीं पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ नेम्स एंड डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, हर चीज को रिमेंबर रखने के लिए, हर चीज को याद रखने के लिए डायग्राम को होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
समझ में आया? ये क्या है कि एक आपको एक छोटा सा एक बेसिक आपको बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है। इतना जितना डीपली मैंने आपको बताया शायद आपके आपकी बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आपको कुछ चीज अगर आप इजीली वे में आप उसको पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने देखना कभी कहीं पे भी आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल का जिगर भी नहीं हुआ है, वहां पर लिखा भी नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं ना, हम ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, इसलिए हमें बाद में समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज बहुत ही क्लियरली बताई है। अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए, मैं आपको नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर रही हूँ, नोट्स भी आपको स्लाइड शेयर के फॉर्म में बिल्कुल आपको दे रही हूँ, उसकी हेल्प से ही पढ़ो अपना, इसकी हेल्प से ही पढ़ो। ठीक है, बुक्स भी खोलो, नोट्स भी बनाओ, जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसी से बनाओ, चाहे जैसे ही बनाओ नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नॉर्मल एक सर्कुलेशन बताया, उसने एक ट्रांसपोर्टेशन बताया कि कैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके बारे में इसने आपको सब क्लियर करा यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है वो इसमें इसने बताया। मैंने आपको हर एक छोटी छोटी चीज बता दी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कैसे लंग्स में कैपिलरीज जो है, इसमें एक वर्ड कैपिलरीज का भी यूज हुआ है, कैपिलरीज क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जहां पर आपका जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, उनको जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स जो आपस में जुड़ी रहती हैं ऐसे करके, वो कैपिलरीज, कैपिलरीज बंच टाइप का होता है जो इन दोनों आर्टरीज एंड वेन्स को जॉइन अप करके रहता है दूसरे से। ठीक है, तो ये कैपिलरीज भी मैंने आपको बता, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब इसमें मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं आपके लिए स्लाइड से की फॉर्म में, चाहे प्रेजेंट आपका एक नोट्स की पीडीएफ की फॉर्म में एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें से भी पढ़ लेना, उसमें से भी आपको थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज तक काफी। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।